सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर हम गिरते हैं तो अधिक अच्छी तरह चलने का रहस्य सीख जाते हैं। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में मालिक नहीं होते हैं वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। जिंदगी एक शिक्षक की तरह होती है जो समय समय पर सबकी परीक्षा लेती है। आज का पंचांग 20 मई 2024 दिन सोमवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि, दोपहर 3:59 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र सुबह 5:46 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:26 से 9:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर शाम 4:34 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। धनु राशि 20 मई 2024 दिन सोमवार, कार्यस्थल के विवाद अनियंत्रित होकर आपके लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। मेहनत करना जारी रखें और इससे बाधाएं दूर होगी। स्वयं सेवीकरण या दुष्टों की सेवा करना आपके लिए एक सुनहरा अवसर होगा। अपने स्वास्थ्य और वित्त की देखभाल करें। आवश्यकता अनुसार परिवार की राय लेना ना भूलें। नए दोस्त बनाएं किंतु पुराने दोस्तों से भी बातचीत करना ना छोड़ें। आज किसी समूह में दिन व्यतीत होगा। दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से आगे रखना चाहिए, तभी काम बनेंगे। हौसले मेहनत को उड़ान प्रदान करते हैं, इसीलिए अपने हौसले को टूटने न दें। काफी समय से चल रही समस्या का समाधान मिलेगा। कोई सरकारी मामला हल हो सकता है। परिवार के साथ धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत होगा। आपका सकारात्मक व्यवहार पारिवारिक समस्याओं को बेहतर तरीके से हल करने में सहायक होगा। इसे एक बात पर पूरा फोकस बनाए रखने से अन्य बातें नजरअंदाज हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में बदलाव करने से पहले आप गहराई से सोच विचार करना पसंद करेंगे। जो लोग आपके निर्णय में दखल अंदाजी दे रहे हैं उनसे दूर रहें। हर समस्याओं का सामना करने के लिए आप तैयार हैं। आपके काम का श्रेय कोई और व्यक्ति ले ली, आपके काम का श्रेय कोई और व्यक्ति ना ले, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। पार्टनर अपने स्वभाव में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें और थोड़ा वक्त देने की कोशिश करें। गलत खान पान की वजह से सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, ख्याल रखें। सावधानियां, आपके अपने लोग आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इस समय परिस्थितियों को शांति पूर्ण तरीके से समझने की जरूरत है। गुस्से से समस्याएं बढ़ सकती है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। प्यार को गहरा बनाने के लिए इसका प्रदर्शन यानी इजहार बहुत आवश्यक है। यह रास्ता बाधाओं से भरा हुआ है, किंतु आप दोनों जब एक साथ हैं तो कोई भी मुश्किल आपको प्रभावित नहीं कर सकती। रोग चोट या रेड की स्थिति से बचने के लिए पहले से ही सावधान रहें। आज आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगे, जिससे आपको संतुष्टि और प्रसन्नता होगी। अपने दिल के सबसे करीबी और खास व्यक्ति के साथ भी वक्त बिताएं, इससे आपका रिश्ता दृढ़ बनेगा। अगर जीवन में कोई परेशानी है तो उसका सामना पूरे दिल से करें। बात करते हैं करियर की। आज आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आपके आसपास कोई अलौकिक शक्ति है जो आपको हर बाधा से बचा रही है। मुश्किल से विवादों या मुकदमेबाजी से बचें। व्यापार में अपने ग्राहकों को पर्याप्त सेवा प्रदान करें ताकि आपका व्यवसाय बढ़े। अपनी मेहनत का फल भी आपको मिल ही रहा है। नया दोस्त अगर शांति है तो पुराना दोस्त सोना है। आज के समय पुरानी दोस्ती को फिर से जीवित करने का है। अपने विचारों को दूसरों के साथ जरूर बांटें और नए लोगों से मिले जुले। सोशल मीटिंग्स भी आज कार्ड्स में है। आज अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने को प्राथमिकता दें। कार्य क्षेत्र में अपने काम की क्वालिटी और कार्य प्रणाली में और अधिक सुधार लें, जो जरूरी भी है।
अपनी योजनाओं को किसी के साथ शेयर न करें। आपका कोई ऑर्डर निरस्त हो सकता है। ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा लेकिन व्यवस्था बेहतर रहेगी। बात करते हैं सेहत की। सुस्ता और आलस का मुकाबला करने के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम और योग का अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत और सक्रिय बनाए रखेगा। व्यायाम करने के लिए आप नियमित रूप से प्रतिदिन कुछ समय निकाल सकते हैं, जैसे कि सुबह या शाम के समय। यह आपको ऊर्जा और स्थिरता प्रदान करेगा और आपको दिन भर की गतिविधियों के लिए तैयार रखेगा। आज आप शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।